ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लखनऊ से खबर आपको बता दें, गैर हाजिर कर्मचारियों का वेतन जारी करने पर डिप्टी सीएम, गैर हाजिरी पर वेतन जारी होने के मामले में सीएमओ को जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। सीएमओ जांच कराकर 3 दिन में रिपोर्ट सौंपे, ये बृजेश पाठक की तरफ से कहा गया है। दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर डिप्टी सीएम सख्त होते नजर आ रहे हैं। जो भी गैर हाजिर कर्मचारियां हैं और उनकी लिस्ट देने के लिए उन्होंने कहा है। तो यहाँ पर लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गैर हाजिरी पर वेतन जारी होने के मामले में सीएमओ को जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। सीएमओ जांच कराकर 3 दिन में रिपोर्ट सौंपी, बृजेश पाठक की तरफ से कहा गया है। दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई भी की जाएगी और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए, उनसे जरा जानकारी ले लेते हैं। एसके, गैर हाजिर कर्मचारियों का वेतन जारी करने पर अब डिप्टी सीएम जो है वो पूरी तरीके से सख्त नजर आ रहे हैं, किस तरीके के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं बृजेश पाठक के द्वारा? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि हम देखें तो बड़े पैमाने पर पूरे प्रदेश भर के जो विभिन्न हॉस्पिटल्स हैं वहां से शिकायतें थी कि जो वहां के कर्मचारी हैं, डॉक्टर हैं, वो नदारद हैं। हालांकि इसके बाद एक जो अभी डेटा आया उसमें ये पता चला कि बड़े पैमाने पर जो नदारद कर्मचारी और डॉक्टर्स हैं उनका वेतन भी जारी हो रहा था। इस पूरे मामले पर डिप्टी सीएम बृजेश पाठक काफी सख्त नजर आए। उन्होंने नाराजगी व्यक्त की कि ऐसे डॉक्टर्स या कर्मचारी जो हॉस्पिटल की सेवा से गैर हाजिर चल रहे हैं या बिना किसी अनुमति के गायब चल रहे हैं, ऐसे लोगों को कतई वेतन न दिया जाए। अगर पूरे प्रदेश के कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल या सरकारी संस्थान से उनको वेतन दिया गया है तो तत्काल ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। सीएमओ को पूरे मामले की जांच कर इनकी रिपोर्ट भेजने को कहा है। ऐसे दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की भी निर्देश दिए हैं। तो सीधे तौर पर कोशिश यही है कि जो भी कर्मचारी या डॉक्टर्स किसी भी अस्पताल में तैनात हैं वो अपने पद पर काम भी करें तभी उनका वेतन दिया जाए, ऐसे निर्देश उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम की तरफ से जारी किए गए हैं। बिल्कुल, और ये भी कहा गया है कि किसी भी तरीके की लापरवाही नहीं बर्दाश्त की जाएगी। एसके, कब से इस तरीके की शिकायतें मिल रही थी? बिल्कुल, अगर हम देखें तो डिप्टी सीएम लगातार अलग अलग हॉस्पिटल्स के औचक निरीक्षण करते हैं। जिस जिले में जाते हैं तो वहाँ के निरीक्षण के दौरान उन्होंने जब ड्यूटी रजिस्टर मांगे तो कई जगह ऐसे ड्यूटी रजिस्टर मिले जहाँ अटेंडेंस तो लगी थी लेकिन संबंधित कर्मचारी या फिर डॉक्टर मौके पर उपस्थित नहीं मिले थे। ठीक है, अब यहाँ पर जाँच की जाएगी और जाँच के बाद किस तरीके की कार्रवाई होती है ये भी देखना होगा। इसके बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए।